नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से वर्धमान नगर चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। शहर में एक तरफ कोरोना का आतंक जारी है जिससे नागरिक परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर नागरिकों को वाहन चलाना मुश्किल सा हो रहा है। कभी कभार 40 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब की बार 100 रुपयों से ज्यादा का हो रहा है। कोरोना और लॉकडाउन में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, कई लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल के दामों में काफी वृद्धि हुई है। बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल के दामों से शहर के नागरिक हैरान है, परेशान है। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 101 रुपया 11 पैसे हुए हैं। बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उमाकांत अग्निहोत्री के नेतृत्व में वर्धमान नगर चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की खिंचाई करते हुए नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, मोदी की तानाशाही हिटलर शाही नहीं चलेगी आदि नारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। बढ़ते पेट्रोल के दामों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उमाकांत अग्निहोत्री इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये जो नारा दिया गया है मोदी सरकार के खिलाफ दिया गया है। इस समय में वर्धमान नगर चौक स्थित नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पे बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उमाकांत अग्निहोत्री हमारे साथ में, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है, उनसे जाना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी, ये बताए कि किन बातों को लेकर आज यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हो? आप सब लोगों को मालूम है कि आज जो हम लोगों ने ये बनाया है प्लाकार्ड, जैसे सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर जब शतक लगाते हैं तो एक हाथ में सचिन तेंदुलकर के बल्ला होता है, दूसरे हाथ में सचिन तेंदुलकर का हेलमेट होता है। आज उसी तरीके से पेट्रोल की जो कीमत है, डीजल की जो कीमत है, नरेंद्र मोदी सरकार में उसका शतक लग चुका है। यानी कि पेट्रोल 92 रुपीज पर लीटर और डीजल 92 रुपीज पर लीटर और पेट्रोल जो है 100 के पार जा चुका है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, देवेंद्र फडणवीस से, गडकरी से, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार में क्रूड ऑयल महंगा था, थोड़ा सा ही रेट बढ़ा था पेट्रोल और डीजल का, तब ये लोग नौटंकी करते थे और बोलते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। और आज डाइन कोई और नहीं, ये मोदी सरकार डाइन है, नरेंद्र मोदी डाइन है। सर, ये बताएं कि अगर यदि आपके मांगों को दरकिनार किया जाता है तो आपकी अगली रणनीति कांग्रेस की क्या होगी? देखिए, आज हमारे प्रांताध्यक्ष सम्मानित नाना पटोले जी के निर्देश से नागपुर शहर के अध्यक्ष आमदार माननीय विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1000 जगह, 1000 हर विधानसभा के 3 पेट्रोल पंप पे ये मोर्चा हो रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में मोर्चा हो रहा है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम किसान भाइयों को डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए न्याय नहीं दिला देंगे। और जब तक हिंदुस्तान की जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए न्याय नहीं दिला देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी और किसी भी कीमत पर मजबूर करेगी नरेंद्र मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए। तो आप तो उमाकांत अग्निहोत्री, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए ये कहा कि बढ़ते पेट्रोल को जो दाम बढ़ चुके हैं उसको कम करना ये सरकार की प्राथमिकता है। एक और शहर में कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी का आलम है, तो वही बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर भी नागरिक काफी परेशान है। अब देखना यह होगा क्या केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम करता है कि यही ढाक के तीन पांच जैसे कामकाज चलता है। वर्धमान नगर चौक से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।